मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, जिसके बाद बिसेन लगातार सुर्खियों में हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। इसी को लेकर लांजी विधायक हिना कावरे ने कहा कि गौरी भाव को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वे ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात भी कही है। छः बार विधायक रहे, वो शायद 3 बार सांसद रहे हैं। इतना लंबा कार्यकाल रहा है और उनको क्षेत्र की जनता बालाघाट लालबर्रा के लोग चुनकर लगातार ला रहे हैं, तो सब सारी चीज़ें मतलब कोई छुपी बात नहीं। अब उनको कब क्या बोलते हैं, उनका क्या नज़रिया है, ये क्षेत्र की जनता प्रदेश जिले के लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझते हैं। मैं तो इस मामले में यही कहूँगा कि ऐसी हरकतें तो मानसिक रोगी करता है, इनको नागपुर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। आने वाले समय में 2023 का इलेक्शन है, विधानसभा का जो चुनाव है, सम्राट सरस्वती जिस दिन से जिला पंचायत के उम्मीदवार बने हैं उस दिन से ये भय उनके दिमाग में आ गया है, और आजकल जो भी बयानबाजी उनकी चल रही है उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव 2023 का, चाहे वो लड़े या बीटी लड़े, उनको खतरा सम्राट मीडिया से है।